अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। पिछले 29 दिन में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी और 8 जनवरी को लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई थी। लता जी के निधन के बाद देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज भी 2 दिन के लिए आधा झुका रहेगा। शाम 4:30 बजे पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए शिवाजी पार्क में रखे जाएंगे और वहीं लता जी का अंतिम संस्कार भी शिवाजी पार्क स्थित शमशान घाट पर किया जाएगा। लता जी की मिलिट्री वाहन में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उधर पुलिस की तरफ से लता जी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि सुबह 8:12 पर लता दीदी का निधन हो गया। उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे। उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था, लेकिन लता मंगेशकर जी 92 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चली गई। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अभिनेता अर्जुन फिरोज खान। अर्जुन जी, एक ये ऐसा वक्त है बॉलीवुड के लिए और देश के लिए, क्योंकि भारत रत्न थी और स्वर कोकिला, उनके गानों को सुनकर के ही हर किसी की सुबह हुआ करती थी, लेकिन ये जो खालीपन सा आ गया है, इसे किस तरह से भरा जाएगा, इसे कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप एक बात सुनिए कि ये जो खालीपन है, ये जब तक के हम लोग जीवित है ये ब्रह्मांड रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा लता मंगेशकर बन सकेगा। लता दीदी एक अच्छी सिंगर ही नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी इंसान भी थी, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इनके साथ 3 बार इंटरेक्ट किया हूँ, 3 ही बार। एक बार तो जब हम लोग दिल्ली जा रहे थे प्लेन में थे, HMD का प्रोग्राम था, तो वहाँ प्रोग्राम के लिए वो भी जा रही थी और मैं दिल्ली अपने काम के लिए जा रहा था, तो ऐसे ही लता दीदी हम लोग सब बैठे हुए थे, तो वो इतनी सहनशीलता उनमें थी और इतनी साधारण स्वभाव की थी कि हम लोग सब इकोनॉमी में बैठे थे, तो वो अपनी सीट चेंज करके पीछे आ गए, क्योंकि मैं था और सुलक्षणा पंडित थी, अमित कुमार, हम सब एक ही साथ इधर बैठे हुए थे, और वहाँ वो गा रही थी और ऐसी गुनगुना रही थी जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, तो हमने बोला दीदी ये गाना गाओ, मतलब ऐसे गुनगुना रही थी गाने। एक तो वो इंटरेक्शन था उनका मेरे साथ, और एक बार एक शादी में हम लोग एक साथ मिले थे, तो मैंने कहा था कि दीदी अभी आप तो आपको मेरे साथ एक फोटो निकालना है, तो उषा दीदी, मैं, आशा जी और लता दीदी, हम चारों एक फोटो है मेरे पास। वो उन्होंने कहा कि अगर आप फोटो पे अगर नहीं साइन करेंगी ना, तो मैं आपके सारे गाने अपनी आवाज में डब कर दूंगा। हंस रही थी वो और बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी वो, और उनकी कमी तो सारे ब्रह्मांड। हेलो, हेलो, कौन है? अरे चुप बैठो यार। बिल्कुल अर्जुन जी, आपने जिस तरह से बताया, एक महान शख्सियत रही हैं, इसके साथ ही उन्होंने नए पुराने सभी गाने गाए हैं। एक बीच में बात भी उठी थी कि क्या नई पीढ़ियों की जो अभिनेत्रियां हैं उनके लिए वो गाने गा पाएंगी, लेकिन इस बाधा को भी उन्होंने दूर किया, क्योंकि 75 साल की उम्र में उन्होंने वीर जारा जैसी मूवी के लिए, प्रीति जिंटा के लिए उन्होंने गाने गाए थे, और उसके बाद लगा था कि अगर आप गाना चाहे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और उनका उनकी जो आवाज थी वो कहीं ना कहीं पुरानी अभिनेत्रियों से लेकर के अभी के अभिनेत्रियों तक सबके लिए एक सटीक बैठती थी। मैडम, मैं एक बात बता दूं कि सरस्वती माँ जो है वो सदियों से जीवित है, और ये आवाज एक ऐसी चीज है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है। ये गलत गुमान है लोगों को कि आवाज इंसान की उम्र के हिसाब से आदमी की आवाज, नो, नॉट एट ऑल। अब तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है क्योंकि रेंज वाइज चला जाता है, क्योंकि मैं भी गाता हूँ। मेरा इंटरेक्शन इनके साथ इसलिए था कि मैंने आशा जी के साथ सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया में गाने गाया हूँ, मैं रफी साहब के गाने थोड़े बहुत गा लेता हूँ, तो उनके साथ मुझे मौका मिला कि उन्होंने मुझे इतना समझा था कि मैं जाऊँ गाऊँ, तो उषा मंगेशकर जी के साथ गाया। मैं एक बात बताता हूँ कि लता दीदी की आवाज अगर आज वो जीवित होती और वो अगर 2 लाइन भी गाती तो वो कई सिंगरों पर भारी थी, और उनकी आवाज में तो एक वो जो मासूमियत थी और उनके अंदर जो एक बात थी, वो तो आवाज कभी आ नहीं सकती है, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा है एक तरह से कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, एक सौभाग्य भी रहा है कि हम उनके ईरान में पैदा हुए और हमने उनके गाने
सुन सुन के अपनी जिंदगी का एक दौर कंप्लीट किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम हमें बातें बताने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक और अभिनेता बॉलीवुड के जुड़ चुके हैं अरुण बख्शी जी। अरुण जी किस तरह से ये जो आज अचानक एक खालीपन आ गया है, पूरा देश शोक की लहर में है, तमाम नेता जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बॉलीवुड कहीं ना कहीं गमगीन है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस खालीपन को किस तरह से भरा जाए, कैसे उनकी आवाज उनके बिना अब बॉलीवुड आगे का सफर तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उन्होंने जो गाना गाया था मेरी आवाज ही पहचान है, और शायद ये अमिट पहचान ही उनकी अब हर किसी के दिल में जिंदा रहेगी। देखिए ऐसा है कि लता जी के जाने से बहुत दुख है, बहुत दुख है, पूरी दुनिया को दुख है, पूरे हिंदुस्तान को दुख है। आज देखिए मैं बंबई में हूँ, सड़कें खाली हैं, किसी का बाहर आने का मन नहीं करता है, हमारा भी मन नहीं करता कहीं जाने का। खालीपन, आपने सही कहा, खालीपन है। अब देखिए क्यों ना हो खालीपन, आजादी से लेके 47 से लेके आज तक उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पाला है, एक बड़ी बहन की तरह म्यूजिकली पाला है। हमारे डीएनए में लता जी हैं, उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस, और ये सदियों में एक ही लता जी होती है, दूसरी तो लता जी होती नहीं है, नहीं है, ये एक ही लता जी रहेंगी, क्योंकि उनके बिना कहाँ जाएंगे। हमारे सर के ऊपर एक एहसास था कि हमारी बड़ी बहन है, और दुआएं हर तरफ से आती थी, हम भी दिन रात दुआएं ही मांग रहे थे कि हमारी बड़ी बहन ठीक ठाक हो, खुश रहे, सेहत अच्छी रहे, क्योंकि उनका सर के ऊपर रहना, हमने तो बहुत कीमती लोगों को खोया है। हमारे द ग्रेट दिलीप कुमार साहब, एक वो उनका होते, वो जब थे तो ऐसा लगता था कि एक बड़ा भाई, एक बड़े पापा है हमारे सर पे। आज हमारी दीदी भी चली गई, बाकी बचा क्या, क्या हुआ, इतने लोग, ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं जी, कहाँ पैदा होते हैं। उनकी जो स्ट्रगल है और उनका जो गाना है, उससे सदियां सीखेंगी स्ट्रगल कैसे की जाती है, अपनी आवाज को शुद्धता रखते हुए, और अपनी आवाज को किस तरह से उन्होंने संभाला। वो साक्षात सरस्वती माँ देवी। हम तो उनके स्टूडियो में ही रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब भी होता है हम वही रिकॉर्डिंग करते हैं, और हमको लगता है कि वहां पे हमको एक डिविनिटी मिलती है, एक आशीर्वाद मिलता है, हमारे गाने में एक सुकून मिलता है, सुख मिलता है। अरुण जी, कुछ ऐसे लम्हे जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहें, जो आपने लता दीदी के साथ गुजारे वक्त हैं, कुछ ऐसी बातें आप यहाँ पर बताना चाहें दर्शकों को। देखिए मैं आज तक कभी लता जी से मिला नहीं, मैं आशा जी से मिला हूँ, उनके साथ एक गाना भी गाया है मैंने, लेकिन लता जी से कभी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं नहीं मिला तो आई एम मिसिंग इट, क्योंकि उनका ऑरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा ऑरा है, कोई लगता है कि उस ऑरे को, उसमें बरकत है, उसमें आशीर्वाद है, उसमें डिविनिटी है। बिल्कुल। आज भी हमारी रिकॉर्डिंग थी उनके स्टूडियो में, लेकिन कुछ भी नहीं मन करता। लेकिन अरुण जी आप मिले नहीं, लेकिन आपकी आवाज में जो दर्द है, जो आंखों से आपके आंसू अभी निकल रहे हैं, उससे समझ आता है कि उनका ऑरा वाकई कितना बड़ा था, और आपके दिलों में वो किस तरह से रहती थी कि ना मुलाकात करके भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो आपके पास ही है, और आज जब वो चली गई है, हम सबको अलविदा कह दिया है उन्होंने, तो समझ में नहीं आता इस वक्त को कैसे समझा जाए या अपने दिल को कैसे समझाया जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये है कि वो आत्मा इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी आत्मा थी, मैंने इस कदर इतना बड़ा ऑरा और इतनी बड़ी आत्मा को का कभी एहसास नहीं किया। शुक्रिया अनुज की आवाज आज भी। जी शुक्रिया अनुज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने बातों, अपने जो एक एहसास है उसे यहाँ पर रखने के लिए कि कितना बड़ा ऑरा जो है रहा है, और आज जब वो चली गई है तो इस खालीपन को आखिरकार किस तरह से भरा जाएगा। तो स्वर कोकिला, और उन्हें माँ सरस्वती साक्षात कहा जाता है, और वो आज हमारे बीच से चली गई हैं।